मेलाहाइट में 9 विकेट हैं, यहाँ पे 8 विकेट हैं, कितनी खुशी है कि कैरियर इतनी तेज़ी से माशाल्लाह प्रोग्रेस कर रहा है? जी बहुत खुश हूँ। लॉर्ड्स में पहला मैच था और लॉर्ड्स में पहला मैन ऑफ द मैच, और मेरा एम था कि ऑनर्स बोर्ड पे मेरा नाम आए 5 आउट करके, लेकिन दोनों इनिंग्स में ऐसा नहीं हो सका, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैच में मुझे मैन ऑफ द मैच मिला और पहली दफ़ा इतने क्राउड में खेल रहा था, काफ़ी इंजॉय किया और अगेन अल्लाह का शुक्र है। बस अजय महमूद के साथ क्या बात हुई थी इस मैच से पहले, किस तरह की लेंस पे करानी थी बॉलिंग? इससे यहाँ पे तो स्लोप भी बड़ा लोग कहते हैं मुश्किल होता है बॉलर्स के लिए। हाँ जी, स्लोप प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि अगेन मैं पीसीबी का थैंक्स बोलूँगा मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि टूर्नामेंट से पहले आने के लिए, और मैं लेस्टर की तरफ से खेला, उधर प्रैक्टिस की और उधर भी स्लोप है और इधर ज़्यादातर ग्राउंडों में स्लोप है और उसमें एडजस्ट होना पड़ता है, और अजरबैजान जैसा ट्रीट करते हैं बिल्कुल भाइयों की तरह और बिल्कुल हंसी मजाक में, और उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो वो भी क्रिकेट काफ़ी खेले हैं, वो जब पाकिस्तान में भी थे तो तब भी मैं उनसे व्हाट्सएप पर रबते में था कि अदर भी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मेलाहाइट में भी परफॉर्म किया और इधर भी परफॉर्म किया, तो मुझे पहले आने का काफ़ी फ़ायदा हुआ। आपकी जो नेचुरल स्टाइल बोलिंग है वो आप कहेंगे कि यहाँ इंग्लिश कंडीशन? 7 मैचों में 37 आसिफ भाई के ही थे और उसके बाद मेरे 38 हो गए थे, लेकिन मेरा यही एम था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं और 40 पे फिनिश किया, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। और इससे इस मैच से पहले भी मैंने देखा था कि ऐसे एवरेज वाइज मैं दुनिया में 2nd नंबर पे था, मेरे ऊपर फ्लेंडर और मेरे बाद एंडरसन थे, तो मेरा यही था एम कि मैं टॉप करूंगा इसी मैच में इंशाल्लाह, और मे भी मेरा ख्याल है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप पर आ जाऊँगा।